hello my dear students a very fresh morning to all of you how are you all i hope you all are fit and fine at your home stay home stay safe and i hope you all are doing good uh, in your studies but i'm not receiving any activity pictures from you please do share with my whatsapp number so that i can send it your class groups please do daily activities and share with me okay so daily we used to do a thought of the day and a activity too today also we will do that today's thought for the day is god is always listening keep on praying johamara bad situation or any problem hetho hum god say प्रे करते हैं लेकिन हमको क्या करना है प्रॉब्लम के टाइम में नहीं ऑलवेज हमको प्रे करना है गॉड विल लीजन दैट गॉड सुनते हैं तो हमको प्रे करना है गॉड से इस इससे हमको क्या मिलेगा हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा पॉजिटिविटी मिलेगा हमको अच्छा होगा इसलिए हमको क्या करना है प्रे करना है प्रार्थना करना है ओके ओके सो टुडेस एक्टिविटी इज वेदर वर्ड सर्च इसमें आपको वेदर वर्ड को सर्च करना है हमको पता है वेदर एटमोसफियर एंड सम वेदर वर्ड्स क्या होता है वो सब इसमें है आपको क्या करना है टेम्परेचर एटमोसफियर ऐसा वर्ड इसमें हुआ अंदर है इसके अंदर है जो आपको ढूंढ के कहाँ है वो ढूंढ के आपको सर्कल करना है आपको सर्कल करना नहीं होता है लेकिन आपको क्या करना है वो वर्ड कहाँ है वो सर्च करके लिखना है बस लिख दो ओके okay? क्या क्या वर्डिंग्स है इसमें वेदर का वो लिख लो अंडरस्ट विल यू डू दैट लेबस okay. यस so, yes. हम कल क्या पढ़ाई किए थे क्लाइमेट के बारे में क्लाइमेट क्या होता है और डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट क्लाइमेट कंडीशन जो है वो परमानेंट वेदर कंडीशन होता है थर्टी टू थर्टी फाइव ईयर्स में इन ए लार्ज एरिया एंड वेदर जो है वो टेम्प्ररी चेंजेस होता है इन स्मॉल एरिया में जो स्मॉल एरिया का जो स्मॉल रीजन का वेदर चेंजेस जो है टेम्प्ररी चेंजेस होता है उसको वेदर कहते हैं वो डिफरेंस हमको पता चला एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट क्लाइमेट को क्या क्या अफेक्ट होता है अफेक्ट कर, करता है उसके बारे में भी हम डिस्कस किए थे है ना लैटीट्यूड के बारे में एल्टीट्यूड के बारे में अल्टीट्यूड मतलब हाइट अबो द सी लेवल कैसे हाइट बढ़ता है जो हाइट बढ़ता है तो टेम्परेचर कूल cool हो जाता है टेम्परेचर जो है वो लेस हो जाता है डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है हाइट इंक्रीज होते हुए उसके बारे में हम एक्सप्लेन किए थे यस yes? हमारा जो फैक्टर है फर्स्ट फैक्टर है वो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, जो इक्वेटर में डायरेक्ट रेस आता है सनलाइट जो है स्ट्राइक्स मोर डायरेक्टली डायरेक्टली सनलाइट आता है इक्वेटर को और इक्वेटर से दूर होता है जो साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल रीजन में क्या होता है सनलाइट जो स्लैंटिंग होता है उसके बारे में आपको पता चला कि कैसे इक्वेटर से दूर होते हुए सन रेज आता है जो उसमें उस एरिया में, उस में जो टेम्परेचर है वो कूल cool हो जाता है टेम्परेचर जो है वो लेस टेम्परेचर आता है यस yes? और टेम्परेचर एंड अल्टीट्यूड ये कैसे हो होता है हाइट जो बढ़ता है तो आ, उसमें कूल ज़्यादा हो जाता है जो सी लेवल इस पिक्चर में आप देख सकते हो सी लेवल में जो थर्टी डिग्री सेल्सियस था और जो थ्री थाउजेंड मीटर अबोव हो गया तो टेन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस हो गया वो हाइट बढ़ाते हैं तो क्या होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है कम हो जाता है डस्ट टू दिस येस ओके जो हाइट uh, बढ़ते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है चेन्नई का और ऊटी का जो एग्ज़ाम्पल uh, uh, देखे गए तो क्या होता है ऊटी में टेम्परेचर कम हो जाता है चेन्नई में टेम्परेचर ज़्यादा है और आपको पता है जो जो राजस्थान में माउंट अबू है वो हॉट एरिया है राजस्थान तो डेजर्ट एरिया है उसमें ज़्यादा हॉट लगता है लेकिन फिर भी माउंट अबू इन राजस्थान इज़ कूल इन समर समर में भी माउंट अबू कूल रहता है ओके सो नेक्स्ट इज अवर माउंट किलिमंजारो इज़ इन अफ्रीका अफ्रीका में माउंट किलेमनजारो है वो इक्वेटर के पास है आपको पता है जो इक्वेटर में सनलाइट डायरेक्ट आता है लेकिन फिर भी माउंट खिलेमिन में क्या होता है कूल लगता है उस एरिया जो है वो किलेमन माउंट खिलेम है वो माउंटेन है उसमें टेम्परेचर कैसा होता है कूल होता है क्योंकि ये जो किलेमन चारो को हाइट है वो बहुत ज्यादा है इसलिए उस एरिया में स्नो कवर होता है और हाई इस हाइट में जो टेम्परेचर कूल होता है आप देख सकते हो इक्वेटर के पास जो है वो तांजेनिया होता है उसमें किलिमंजारो है वो इक्वेटर के नियर होता है फिर भी उस उस प्लेस जो है वो कूल होता है यू अंडरस्टूड एवरी प्लेस एट द इक्वेटर विल बी स्नो कवर्ड इफ़ इट्स हाइट इज अबो फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर जो हाइट फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड मीटर के ऊपर होता है वो इक्वेटर के पास होता है तो भी स्नो कवर्ड होता है एंड कूल एरिया होता है यस यू अंडरस्टूड दिस राइट कैसे हाइट बढ़ता है टेम्परेचर डिक्रीज होता है यस yes? ये दो पॉइंट्स हो गया हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट के और थर्ड पॉइंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम सी जो डिस्टेंस होता है सी से दूर होता है प्लेसेस जो उसमें क्लाइमेट कंडीशन कैसे होता है उसको हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी द लैंड हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर देन द वॉटर सो सी लेवल में जो क्या होता है सी uh, में नेवर टू हॉट और नो टू कोल्ड उसमें जो नियर बाय एरिया होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है सराउंडिंग एरिया जो है वो मॉडरेट क्लाइमेट हो जाता है क्योंकि सी वाटर जो है वो नेवर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड इसीलिए वो क्लाइमेट कंडीशन जो होता है सराउंडिंग एरिया में मॉडरेट होता है उसमें जो ज़्यादा कूल cool भी नहीं हो जाता है ज़्यादा हॉट भी नहीं हो जाता है मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं उसको ज़्यादा हॉट भी नहीं लगता है ज्यादा कूल cool भी नहीं लगता है उसको क्या कहते हैं मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं लेकिन लैंड जो लैंड होता है फार अवे फ्रॉम द सी होता है उस एरिया जो है उसमें लैंड होता है हीट्स अप एंड कूल्स फास्टर हीट भी ज्यादा हो जाता है कूल cool भी ज्यादा हो जाता है सो so, इस क्लाइमेट को हम एक्सट्रीम कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं वो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कह जाता है ओके सो सी जो सी uh, के नियर बाय प्लेसेस होता है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट कहते हैं एंड इफ द प्लेस इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सी जो समुद्र के दूर समुंदर से दूर होते हैं वो उस प्लेस में वो एरिया में जो एक्सट्रीम कंडीशन होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं उसको हॉट समर हाँ, समर में ज़्यादा हॉट लगता है विंटर में ज़्यादा कोल्ड लगता है उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट कहते हैं और कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट भी कहते हैं हमारा जो सी uh, का नियर प्लेसेस होता है सराउंडिंग एरिया होता है वो मॉडरेट क्लाइमेट फील करता है मॉडरेट क्लाइमेट जो होता है ज़्यादा कूल uh, cool भी नहीं लगता है ज़्यादा हॉट भी नहीं लगता है नॉर्मल क्लाइमेट uh, हो जाता है ए फेनोमिना फेनोमिना मतलब ए प्रोसेस जो है वो नियर द सी लेवल में ए ऐसा प्रोसेस हो जाता है ऐसा फेक्ट uh, हो जाता है जो मॉडरेट क्लाइमेट होता है यू अंडरस्टूड दिस यस हमारा जो प्लेस uh, है मुंबई है वो मॉडरेट क्लाइमेट फील करता है क्योंकि सी के नियर बाई प्लेस है एंड दिल्ली जो है उसमें एक्सट्रीम कंडीशन होता है एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है और कॉन्टीनेंटल क्लाइमेट कहते हैं उसको वो समर ज़्यादा हॉट लगता है विंटर ज़्यादा कूल cool लगता है Yes? You understood this? आपके बुक में पेज नंबर फोर्टी सिक्स में ए वेदर फेनोमिना अराउंड सी सी आ, के आ, नियर बाय प्लेस में जो केस वेदर कंडीशन होता है इसके बारे में पिक्चर में दिखाया गया है वार्मर एयर राइजिंग एंड हीट्स एंड कूल्स क्विकली हीट्स क्विकली वॉर्म समर कूल्स क्विकली कूल विंटर लैंड एरिया जो है दूर होता है जो सी से दूर होता है वो प्लेस में जो सी के नियर बाय प्लेस होता है हीट्स एंड कूल्स स्लोली कूल इन समर हीट्स स्लोली कूल जो होता है हीट भी स्लो हो जाता है वार्म इन विंटर एंड कूल्स स्लोली कूलर एयर मूविंग टू टेक वॉम एयर्स प्लेस सो सी के जो प्लेस होता है नीयर बाई प्लेस होता है उसमें हॉट भी नहीं लगता है कूल cool भी नहीं लगता है क्योंकि समर में कूल cool होता है लेकिन हीट जो है वो स्लो हो जाता है लेकिन जो लैंड एरिया जो होता है फार फ्राम सी प्लेसेस होता है उसमें हीट भी Uh, ज्यादा होता है कूल भी ज्यादा होता है विंटर uh, टाइम में कूल uh, ज्यादा लगता है एंड समर टाइम में हीट ज्यादा लगता है ओके ये पिक्चर में भी दिखाया गया है कैसे जो सी लेवल सराउंडिंग सी में सराउंडिंग एरिया ऑफ सी यू कैन फील द क्लाइमेट ऑफ मॉडरेट एंड फार अवे फ्रॉम द सी यू विल फील एक्सट्रीम क्लाइमेट हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो डायरेक्शन ऑफ विंड्स फोर्थ पॉइंट है वो डायरेक्शन ऑफ विंडस ये भी क्लाइमेट कंडीशन को चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ विंड्स विंड ब्लो होता है जो सी से लैंड uh, को आता है लैंड से सी uh, तरफ भी जाता है विंड्स कमिंग फ्रॉम द सी ब्रिंग रेन इसमें इस पिक्चर में आप देख सकते हो कैसे सी से लैंड तक जो ब्रीज uh, आता है जो विंड्स आता है वो रेन फॉल हो जाता है उससे रेनफॉल आता है इंडिया गेट्स रेन्स इन सम्मर फ्रॉम द साउथ वेस्ट विंडस उसको मानसून भी कहते हैं जो साउथ वेस्ट विंडस आता है उसको हम मानसून कहते हैं हमारा जो क्लाइमेट कंडीशन है वो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है आपको पता है ये राइट right? कमिंग जो विंड आता है सी से और साउथ वेस्ट विंडस आता है उस टाइम में मानसून आ जाता है जो रेनी डे होते हैं विंड्स कमिंग फ्रॉम लैंड आर ड्राई एंड डू नॉट कॉज रेन लैंड से सी आ, के तरफ जो विंड्स जाता है उस टाइम में हमारा जो लैंड है वो ड्राई हो जाता है रेन नहीं होता है उस टाइम को हम समर कहते हैं एंड विंटर्स इन इंडिया आर ड्राई एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आपको ये भी पता है कि विंटर सीजन में कैसे होता है इंडिया में ड्राई होता है एक्सेप्ट फ्रॉम द नॉर्थ एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एरिया जो है उसमें जो उस टाइम में रेन आता है लेकिन बाकी सब जगह में ड्राईनेस होता है विंटर सीजन में एंड कूल cool लगता है लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में प्लेन में जो उस टाइम में मानसून विंस आता है जो रेनी सीजन होता है ओके ये आप नेक्स्ट जो हमारा थ्री सीजन के एक्सप्लेन करते हुए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे ये चेंज हो जाता है बट आपको ये पता लगाना है डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्लाइमेट चेंज में इम्पोर्टेंट फैक्टर है विंड जो है वो सी से लैंड को आता है लैंड से सी तक जाता है उस टाइम में जो विंडस uh, आता है सी से और टाइम में रेन आता है

विंड जो है वो ब्लो होता है लैंड से सी तक उस टाइम में क्या होता है डेज आर हॉट एंड नाइट आर कोल्ड इन डेजर्ट 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 जो है उस एरिया uh, में जो रात में कोल्ड लगता है डेज विल बी वेरी हॉट वेरी हॉट लगता है डे टाइम में और नाइट में कूल cool लगता है कहाँ डेजर्ट में जो डेजर्ट एरिया होता है उस टाइम में उस प्लेस में जो विंड ब्लो होता है लैंड से सी तक उस टाइम में डेज आर हॉट एंड नाइट्स विल बी वेरी कोल्ड ओके सो वन मोर फैक्ट इज देयर टेम्परेचर डिक्रीज एट द रेट ऑफ वन डिग्री सेल्सियस आफ्टर एवरी वन सिक्सटी फाइव मीटर ऑफ हाइट ये जो डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर आपको पता है ऊपर जाते हुए टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है हाइट बढ़ते हैं तो डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर में वन डिग्री सेल्शियस एट द रेट ऑफ वन डिग्री सेल्शियस एवरी वन सिक्सटी फाइव मीटर जाते हैं तो वन डिग्री जो कम हो जाता है डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर में ओके okay? सो so, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्शन ऑफ माउंटेंस आपको पता है माउंटेन एरिया जो है हमारा इंडिया में माउंटेन्स uh, है हिमालयन रेंजेस वी हैव स्टडीड दैट राइट हाउ इट अफेक्ट्स डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स जो है वो कैसे अफेक्ट होता है हमारा क्लाइमेट कंडीशन में आपको ये भी पता लगाना है जो हमारा नेक्स्ट फैक्टर है वो फिफ्थ वन डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स जो हमारा माउंटेन होता है वो नाइंटी डिग्री में परपेंडिकुलर में जो विंड आता है नाइंटी डिग्री में माउंटेन से विंड आता है उसे क्या होता है रेनफॉल आ जाता है कॉजिंग रेनफॉल जो विंड प्रिवेलिंग विंड जो चेंजेस इन द विंड सी लेवल से जो विंड आता है वो परपेंडिकुलर नाइंटी डिग्री में आता है तो रेनफॉल हो जाता है ये इसको क्या कहते है? हैं रिलीफ रेनफॉल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट लाई एट अ राइट एंगल टू तो द साउथ वेस्ट जो वेस्टर्न घाट में क्या होता है मानसून समर में मानसून हो जाता है एंड हैवी रेनफॉल इन जून टू सितंबर अब से चालू हुआ जून से शुरू हुआ है मानसून सी समर मानसून जो रेनी सीजन हो जाता है वेस्टर्न घाट में जो डायरेक्शन ऑफ विंड्स जो है माउंटेन से परपेंडिकुलर हो जाता है नाइन्टी डिग्री हो जाता है उससे हमको क्या हो जाता है जो वेस्टर्न घाट में हैवी रेन आ जाता है हैवी रेनफॉल आ जाता है जून टू सितंबर में यू हैव अंडरस्टूड दिस राइट डायरेक्शन ऑफ माउंटेन माउंटेन के वजह से जो विंड ब्लो होता है उसे रेनफॉल आ जाता है यू अंडरस्टूड दिस राइट ये सब जो फाइव पॉइंट्स मेन पॉइंट्स है फर्स्ट वन डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर सेकेंड वन हाइट अबोव द सी लेवल दट इज एल्टीट्यूड एंड थर्ड वन डिस्टेंस फ्रॉम सी फोर्थ वन डायरेक्शन ऑफ विंड्स फिफ्थ वन डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स ये सब फैक्टर जो है वो क्लाइमेट कंडीशन को अफेक्ट करता है ओके सो दिस फाइव पॉइंट्स आर द मेजर पॉइंट्स विच अफेक्ट्स क्लाइमेट इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सीजन्स ऑफ इंडिया ओके नेक्स्ट क्लास में हम सीजन क्या 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 होता है इंडिया में सीजन्स क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे दैट्स इट फॉर टूडे बाय बाय टेक केयर